हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिरका चैनल। आज मैं आपको बिल्कुल बाजार जैसी टमाटो केचप, जिसे हम लोग टमाटो सॉस भी कहते हैं, आज मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। इसे बनाना तो बहुत आसान है, तो बाजार जैसी थिक टमाटो सॉस बनाने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरी सारी टिप्स को जरूर फॉलो कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए रेसिपी की ओर बढ़ते हैं। टमाटो सॉस बनाने के लिए मैंने 700 ग्राम टमाटर लिए हैं, जिनको धोकर अच्छे से साफ कर लिया है। सॉस बनाने के लिए टमाटर लाल और गूदेदार होने चाहिए, इससे सॉस में अच्छा टेस्ट और कलर दोनों आएगा। टमाटर को काट लेते हैं। टमाटर का ये वाला पार्ट काट के निकाल देते हैं। टमाटर को छोटा या बड़ा कैसा भी काट सकते हैं। देखिए, मैंने सारे टमाटर को काट लिया है। अब टमाटर को उबालना है। मैं टमाटर को कुकर में एक बिसल आने तक उबालूंगी। आप इसकी जगह पैन भी ले सकते हैं। अब इसमें 2 मीडियम साइज के कटे हुए प्याज डालेंगे, 5 लहसुन की कलियां लिए इसको डालेंगे, 2 छोटे अदरक के छिले हुए टुकड़े लिए इसको डालेंगे। अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, इसके बिना भी सॉस बहुत अच्छी बनेगी। 5 सूखी लाल मिर्च ली है, जिसको 15 मिनट पहले पानी में भिगो दिया था, इसको डालेंगे। ये मिर्च बहुत तीखी है, आप इसकी जगह हरी मिर्च भी ले सकते हैं। अब मैंने कुछ साबुत मसाले लिए हैं। साबुत मसाले आप सॉस में जरूर डालिएगा, इससे हमारी सॉस में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, इसको आप लोग स्किप ना करें। ये 1 टीस्पून जीरा लिया है, 1 हरी इलायची ली, 10-12 काली मिर्च, 6 लौंग, काली इलायची, थोड़ी सी जावित्री, दालचीनी के 2-3 टुकड़े। अब मैंने एक साफ कपड़ा लिया है, उसमें ये मसाले कूट कर एक अच्छी सी पोटली बना देते हैं और अच्छे से उसे बांध देते हैं। अब इस पोटली को हम कुकर में रख देते हैं। 2 चम्मच इसमें पानी डालेंगे, पानी ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, नहीं तो पकाते समय हमें टाइम लगेगा। अब कुकर का ढक्कन लगा देते हैं और गैस पर रख देते हैं। अब इसमें एक विसिल आने देंगे। देखिए, कुकर में एक विसिल आ गई है और इसकी गैस भी निकल गई है। अब इसका ढक्कन खोल के देख लेते हैं। देखिए, टमाटर अच्छे से बॉयल हो गए हैं। अब इसको एक बड़े बर्तन में निकाल लेते हैं, जिससे कि ये जल्दी ठंडे हो जाएंगे। देखिए, टमाटर अच्छे से ठंडे हो गए हैं। अब ये पोटली जो मसाले वाली डाली थी ना, इसको अच्छे से इसमें निचोड़ देते हैं, जिससे कि मसाले का फ्लेवर अच्छे से इसमें आ जाएगा और ये मसाले हम लोग सब्जी वगैरह में यूज कर लेंगे। अब टमाटर को मिक्सी पॉट में डालकर इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेते हैं। देखिए, इसका पेस्ट अच्छे से बन गया है। अब इस पेस्ट को हम छानेंगे। छानने के लिए हमने बड़ी चलनी यूज की है, आप चाहें तो छोटी वाली चलनी भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए, अच्छे से छन गया है और बीज और छिलके वगैरह जो थे ना, वो ऊपर रह गए हैं। अब मैंने एक पैन ले लिया है, गैस को ऑन कर दिया है। अब इस टमाटो प्यूरी को उसमें डालेंगे। देखिए, कितना सुंदर कलर आया है टमाटो प्यूरी का। अब इसे 5 मिनट अच्छे से पकाएंगे और गैस को मीडियम पर रखेंगे। 5 मिनट हो गए इसे पकते हुए। अब इसमें हम 1 टीस्पून नमक डालेंगे, 1/2 टीस्पून काला नमक डालेंगे, 1/2 कप व्हाइट विनेगर लिया है इसको डालेंगे, ये 100 ग्राम चीनी लिया है इसको डालेंगे। चीनी आप बाद में भी टेस्ट करके डाल सकते हैं, अभी मैं इतनी ही डालूंगी। अब विनेगर के साथ में टमाटो प्यूरी को अच्छे से पकाएंगे। 10 मिनट हो गए हैं, अब इसको फिर से चला देते हैं और थोड़ी देर और पकाएंगे इसे। देखिए, ये अच्छे से हो गई है। देखिए, इसकी थिकनेस देखिए, बिल्कुल रेडी हो गई और रखने के बाद और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। अब इस स्टेज पर हम गैस को ऑफ कर देते हैं। 1 घंटे बाद देखिए सॉस कितनी थिक हो गई है। देखिए, मैं स्पून से आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल लग रही ना मार्केट जैसी, कलर और टेस्ट दोनों में। चीनी मैंने टेस्ट कर ली थी, इसमें चीनी की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने चीनी ऐड नहीं की। देखिए, प्लेट में करके दिखाती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। देखिए, बिल्कुल है ना, बिल्कुल मार्केट जैसी। अब हम घर पर ही हेल्दी और बाजार जैसी टेस्ट वाली सॉस बना सकते हैं, तो बाजार की केमिकल से भरी सॉस क्यों लाएं।